होने वाली जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान प्रशासन ने संबंधित विभाग को कार्यवाही के लिए भेज दिया है, तो वहीं आज दिव्यांग छात्राओं को लैपटॉप का वितरण किया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। मंगलवार को सभी प्रमुख विभागों में विभाग प्रमुखों ने जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें मिली शिकायतों का निराकरण किया गया तो कुछ शिकायतों को जांच में लिया गया। तो वहीं इस दौरान पंचायत एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत अहिल्या आश्रम की दिव्यांग छात्राओं को लैपटॉप वितरण किया गया। सर, लैपटॉप इसलिए मिला हमको क्योंकि आगे हम कुछ एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि लैपटॉप से हम लोग मतलब CPCT की एग्ज़ाम निकालने के लिए भी हम ये सब सीख सकते हैं, हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। और लैपटॉप से कई चीज़ हो सकती है, जैसे हम ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। सर, हम आगे अच्छी पढ़ाई करके तो अभी तो हम सोच रहे हैं कि अभी UPSC का कोर्स करेंगे, उसके बाद हम ये एग्ज़ाम फाइट करके। हाँ, ये लैपटॉप वितरण है। पिछले वित्तीय वर्ष में जो हमारी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चियाँ हैं, जो कि सामाजिक न्याय जो विभाग होता है उसके माध्यम से उनको लैपटॉप वितरण किया जाता है, तो वो लैपटॉप आ गए हैं। तो वो हमारी आज 10 बच्चियाँ उपस्थित हैं हमारे साथ, जिनको हम आज लैपटॉप प्रदान कर रहे हैं। वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चियाँ हैं तो वो फ्रेंडली होता है, उसके अंदर ब्रेल जो प्रावधान होता है, मतलब जो कीबोर्ड वगैरह होता है वो उनके हिसाब से ही बनकर कस्टमाइज बनकर आता है। आपको बता दें कि इन लैपटॉप में पूरा कॉन्फ़िगरेशन दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के हिसाब से किया गया है। बहरहाल इस दौरान छात्राओं के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।